अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 176, गलत फहमी। सुलोचना ताई को जैसे तैसे एम्बुलेंस से लेकर लैला हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी, लेकिन इस आनन फानन में वो किसी को भी इसके बारे में खबर तक नहीं कर पाई थी। सुलोचना जी की हालत इतनी नाजुक थी कि डॉक्टर्स ने उन्हें सीधा आईसीयू में ही एडमिट किया था। ये सब करते हुए लैला के हाथ पैर फूले हुए थे, इसीलिए जब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके वो थोड़ी शांत हुई तो उसे सबसे पहले यही ख्याल आया, मुझे इसके बारे में पाहुजा सर को कॉल करके बताना चाहिए, वो शायद कुछ और सजेस्ट कर सके, या फिर ताई की सीरियस हालत के बारे में जान के उनका दिल पिघल जाए और वो उनसे मिलने के लिए यहाँ तक आने के लिए खुद को राजी कर ले। ये सोचते हुए वो हॉस्पिटल के अंदर ही बने पीसीओ पर चली गई। उसने पाहुजा मैंशन का नंबर डायल किया और उधर से कॉल उठाए जाने का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में उधर से कॉल उठाया गया तो लैला ने हड़बड़ाते हुए कहा, हेलो पाहुजा सर, मैं लैला बोल रही हूँ। लैला? उधर से आने वाली आवाज में खड़खड़ाहट सी थी, लेकिन लैला को जल्द से जल्द पाहुजा साहब को मैसेज देना था, इसीलिए उसने जल्दी से कहा, हाँ सर, वो दरअसल मुझे आपको ये बताना था कि ताई की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है, मैं उन्हें लेकर सिटी हॉस्पिटल आई हुई हूँ, आप अगर प्लीज आ सकते हैं तो आ जाइए, शायद उन्हें आपको देखकर कुछ बेहतर महसूस हो। उधर से कुछ देर की खामोशी के बाद आवाज आई, मैं आता हूँ, कहकर उधर से फोन रख दिया गया। लैला ने फोन रखते ही चैन की सांस लेते हुए खुद से ही कहा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि पाहुजा सर इतनी आसानी से हॉस्पिटल आने के लिए मान गए, मैं तो अभी से सोच सोच कर इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ कि दोनों जब इतने सालों बाद आमने सामने होंगे तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा। चलो, चाहे ताई की बीमारी की वजह से ही क्यों ना हो, दोनों का मिलना तो हो जाएगा और मेरे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। लैला फोन का बिल पे करके वापस अपनी जगह पर आ बैठी। अब वो बेसब्री से पाहुजा साहब के आने का इंतजार कर रही थी। नरेन अपनी शूटिंग निपटा कर अभी सेट से निकलने ही वाला था कि तभी आंचल ने उसे टोकते हुए कहा, नरेन तुम अभी से ही निकल रहे हो क्या? नरेन ने हामी भरते हुए कहा, हाँ क्यों? आंचल ने कहा, अगर तुम बिजी नहीं हो और तुम्हारा कोई प्रोग्राम ना हो तो मैं भी चलूं तुम्हारे साथ। ये सुनते ही नरेन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कुछ कंफ्यूज्ड अंदाज में कहा, मेरे साथ? लेकिन कहाँ? ये कहते हुए उसकी नजरें अरुण को ढूंढने लगी थीं, लेकिन हमेशा आंचल के साथ रहने वाला अरुण आज कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसका सवाल सुनकर आंचल ने कुछ खींचते हुए कहा, तुम्हारे साथ, तुम्हारे फ्लैट पर। इस बार नरेन ने उसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए उसके एक्सप्रेशंस भांपने चाहे और फिर पूछा, सब ठीक है ना? आंचल ने नजरें झुकाते हुए जवाब दिया, हाँ सब ठीक है, क्यों, क्या मैं ऐसे ही तुम्हारे फ्लैट पर आने के लिए नहीं कह सकती? नरेन उसके ऐसे डायरेक्ट पूछने पर कुछ हिचकिचा सा गया। नहीं, मेरा मतलब है कि, अभी वो कह ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने से आ रहे अरुण पर पड़ी। उसने जल्दी से उसे आवाज देते हुए कहा, हे अरुण, आंचल के साथ चल रहा है ना तू भी मेरे फ्लैट पर? चलना, सब साथ में चिल करेंगे। उसने ये बात जानबूझकर अरुण को सुनाने के लिए कही थी, लेकिन अरुण ने बगैर आंचल की तरफ देखे हुए ही जवाब दिया, नहीं यार, मैं नहीं आ रहा, मुझे कुछ पेंडिंग काम निपटाने हैं, कहकर वो आगे बढ़ गया, जबकि नरेन की इस हरकत से आंचल कुछ खींच सी गई। तुम्हें मुझे नहीं ले जाना था तो सीधे सीधे बोल देते ना, अरुण को ये सब सुनाने की क्या जरूरत थी? तब नरेन ने टालने वाले अंदाज में कहा, अरे मैं क्यों उसे सुनाऊंगा, मैंने तो वाकई में उसे इन्वाइट करने की कोशिश की, पहले भी तो हम साथ में मिलते रहे हैं ना, बस इसीलिए, और मैं तुम्हें ले जाने के लिए कहां मना कर रहा हूं? नरेन ने उसे कुछ इस तरह समझाया कि वो शांत पड़ते हुए बोली, अच्छा ठीक है, चलो अब चलते हैं। नरेन ने जाने के लिए कदम बढ़ाए तो आंचल ने एकदम से ठिठकते हुए पूछा, कुछ ड्रिंक्स लेते हुए चले या घर पर इंतजाम है? तब नरेन ने हंसते हुए कहा, घर पर बहुत इंतजाम है, तुम चलो तो सही। आंचल मुस्कुराती हुई उसके साथ बढ़ गई, लेकिन नरेन के दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी। उसे ये सवाल बार बार परेशान कर रहा था
कि आखिर आंचल ने आज अरुण को इग्नोर करके उसके घर जाने की बात क्यों की, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अपनी पहली फिल्म के सिलसिले में माया और सुहाना लगभग हर दिन मिल रही थी और दोनों घंटों साथ बैठकर राइटर और फिल्म से जुड़े दूसरे लोगों के साथ लगातार मीटिंग कर रही थी, जहां माया इस फिल्म से बड़े पर्दे के लिए प्रोडक्शन में अपना हाथ आजमाना चाह रही थी, तो वहीं खुद सुहाना के लिए ये पहली फीचर फिल्म होने वाली थी। जोशो खरोश से भरी ये दोनों ही लड़कियां किसी भी पहलू को इग्नोर करके कहीं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। यही वजह थी कि दोनों ने इस काम में अपनी जान झोंक रखी थी। राइटर के साथ लंबी मीटिंग के बाद उसके यहाँ से निकलते हुए माया ने अपना पर्स संभालते हुए कहा, सो पाहुजा अंकल और बाकी लोग कैसे हैं घर पे? सुहाना ने थके हुए अंदाज में अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, दो दिन पहले भाई और डैड दोनों से बात हुई थी। और नरेन? सुहाना ने मायूसी भरे लहजे में कहा, बस उसी से तो बात नहीं हो सकी और न ही मिलना। एक दो बार मैंने कॉल भी लगाया मगर सर्वेंट ने बताया कि वो घर पे नहीं है। तब माया ने हंसते हुए कहा, तू तो बंबई में रहकर भी उसे पुणे में रहने का फील दे रही है, मिलती रहा करना, वरना बंबई और खासकर इस इंडस्ट्री की लड़कियां इतनी तेज हैं कि कब किसके बॉयफ्रेंड को ले उड़ेंगी पता भी नहीं चलेगा। माया की इस बात पर सुहाना ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, ओ थैंक्स फॉर योर कंसर्न, लेकिन मेरा नरेन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माया ने उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जो बातें मैं बता रही हूँ ना, वो भी तजुर्बे की बुनियाद पर ही बता रही हूँ, ये सब भी इसी दुनिया में होता है। बातें करते हुए दोनों पार्किंग तक पहुंच चुकी थी। माया ने पीछे की तरफ का दरवाजा खोलते हुए कहा, ड्रॉप कर दूं? लेकिन सुहाना ने कुछ सोचकर इनकार करते हुए कहा, नहीं, मैं चली जाऊंगी। और फिर माया को बाय करते हुए वो टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गई। लैला भी बेचैनी से पाहुजा साहब का इंतजार कर ही रही थी कि उसे तभी डेविड आता हुआ दिखा। डेविड पर नजर पड़ते ही वो उठकर लगभग भागती हुई उसके पास पहुंची और कहा, डेविड अंकल, अच्छा हुआ जो आप आ गए, ताई की तबीयत अचानक से बेहद खराब हो गई थी, इसीलिए मुझे आनन फानन में उन्हें यहाँ लाना पड़ा। आपको यहाँ के बारे में किसने बताया? डेविड ने उसके चेहरे पर एक नजर डालते हुए बताया, हाँ, वो कॉलोनी में किसी ने एम्बुलेंस देखी थी तो उसी ने बताया। मैं तो गॉड का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो उन्होंने आपके दिमाग में ताई से मिलने की बात डाली, वरना आज तो पता नहीं कितना बड़ा लॉस हो जाता, मैं साहिब को क्या मुंह दिखाता। डेविड ये कहते हुए काफी परेशान सा लग रहा था। तब लैला ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट शुरू कर दी है लेकिन अभी वो कुछ भी सही से बता नहीं पा रहे। कहते हुए लैला के लहजे में एक उदासी सी थी। डेविड ने कहा, उन्हें इतनी बार कहता रहा कि अच्छे से चेकअप करवा ले, लेकिन बच्चों की तरह जिद पकड़ के बैठ गई थी ताई, अब बात बिगड़ कर यहां तक पहुंच गई। हाँ, पिछली बार जब मैं ताई से मिली थी ना, तब भी मुझे ऐसा ही महसूस हुआ था, ताई को अपनी सेहत की कोई फिक्र ही नहीं थी। जैसे अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी आईसीयू से एक डॉक्टर ने आकर कहा, पेशेंट को हमने अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, फर्दर डिटेल्स हम टेस्ट रिजल्ट्स आने के बाद ही बता पाएंगे। टीबी की वजह से लंग्स काफी इन्फेक्टेड लग रहे हैं इनके, ऐसा लग रहा है जैसे मेडिसिन डिस्कंटिन्यू किया है इन्होंने। ये सुनते ही डेविड चौंक सा गया, लेकिन सर, मेडिसिन तो हर महीने इन्हें सरकारी अस्पताल से लाकर मैं खुद दिया करता हूँ। डॉक्टर ने डेविड की बात बीच में ही काटते हुए कहा, दवाई लाकर देनी नहीं होती, वो खाई जा रही है ये भी अश्योर करना होता है। खैर, हम एग्जैक्ट हालत कल ही बता पाएंगे। कहकर वो वहां से चले गए। डॉक्टर की बात सुनकर लैला कुछ देर के लिए खामोश सी हो गई थी। फिर उसने डेविड से कहा, अंकल, आप घर जाना चाहे तो जा सकते हैं, मैं हूं यहाँ पर। डेविड ने इनकार करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं यही हूँ, आपको यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ मैं। तब लैला ने उसे बताया, मैंने पाहुजा साहब को फोन करके ताई के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि वो बस आ रहे हैं, तो कुछ देर में वो पहुंचते ही होंगे, मैं अकेली कहाँ होंगी फिर। पाहुजा साहब के आने के बारे में सुनकर डेविड शॉक्ड रह गया। उसने एकदम से हैरानी भरे लहजे में कहा, आप श्योर हैं कि पाहुजा सर ताई से मिलने यहाँ आ रहे हैं?
लैला ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा। हाँ हाँ डेविड अंकल, मैं सच कह रही हूँ। सरताई के बारे में सुनकर अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शायद परेशान हो गए होंगे, इसीलिए आने के बारे में तय कर लिया होगा। लेकिन डेविड का मन किसी भी तरह से इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। वरना इससे पहले न जाने कितने ऐसे मौके आए थे जब पाहुजा साहब ताई से मिलने आ सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। फिर आज ऐसा क्या हो गया जो पाहुजा साहब ने ताई को देखने को आने के लिए हामी भरी? डेविड के मन में कई सवाल थे, लेकिन उसने जानबूझकर लैला के सामने उन सवालों को नहीं रखा। उसने वही विजिटर्स चेयर पर बैठते हुए कहा, ठीक है, फिर जब पाहुजा साहब आ जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। लैला ने धीरे से उन्हें जवाब देते हुए कहा, ये ठीक रहेगा। और दोनों पाहुजा साहब के आने का इंतजार करने लगे। पाहुजा साहब तैयार होकर बाहर निकले तो देखा उनकी कार पार्किंग में मौजूद नहीं थी। तब उन्हें ध्यान आया कि आज लतिका जी उनकी कार लेकर गई थी, क्योंकि उनकी कार सर्विसिंग के लिए गई हुई थी। उन्होंने परेशान होते हुए नजर दौड़ाई तो देखा कि सुजॉय अपनी कार में बैठा कहीं निकल रहा था। उन्होंने उसे हाथ दिखाते हुए रोका और फिर उसकी विंडो के पास जाकर कहा, कहीं जा रहे हो? सुजॉय ने उन्हें गौर से देखते हुए कहा, डैड मुझे बहुत जरूरी काम के लिए निकलना है। तब पाहुजा साहब ने आगे वाली सीट का दरवाजा खोलते हुए कहा, ठीक है, फिर मुझे नजदीक के टैक्सी स्टैंड तक पहुंचा दे। कहते हुए वो जल्दी से आकर कार में बैठ गए। सुजॉय ने कुछ झुंझुलाते हुए कहा, आप और आपकी जिद डैड। कहते हुए उसने कार स्टार्ट की और मेन रोड की तरफ बढ़ा दिया। पाहुजा साहब को टैक्सी स्टैंड ड्रॉप करके सुजॉय एक बार फिर से फर्राटे के साथ अपनी कार बढ़ा के ले गया। लैला और डेविड रह रहकर बेचैनी से घड़ी की तरफ देख रहे थे, लेकिन पाहुजा साहब का कहीं कोई अता पता ही नहीं था। डेविड ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे पता था पाहुजा साहब ताई से मिलने कभी नहीं आएंगे। आज तक न जाने कितने ऐसे मौके आए जब साहिब को ताई के पास होना चाहिए था, लेकिन साहिब कभी भी उनके पास नहीं आए, तो अब क्यों आएंगे भला? ये सुनते ही लैला का मन कुछ उदास सा हो गया। तब डेविड ने कहा, अच्छा हुआ ना कि मैं आपके कहने से नहीं गया, वरना अभी आप अकेली रह जाती। लैला ने अपने दुखते हुए सिर को उंगलियों से दबाते हुए कहा, थोड़ा बाहर चलकर ताजी हवा लेकर आते हैं डेविड अंकल, शायद कॉफी वगैरह पीकर थोड़ा हल्का सा लगे। लैला की हालत देखकर डेविड भी हामी भरता हुआ उठ खड़ा हुआ। दोनों धीरे धीरे चलते हुए बाहर आ गए। कॉफी स्टॉल से अपनी अपनी कॉफी उठाए दोनों पार्किंग के पास आ खड़े हुए। इधर भीड़ कुछ कम थी। लैला ने कॉफी के कुछ घूंट भरने के बाद कहा, मुझे इस बात का अफसोस रहेगा डेविड अंकल कि मैं ताई की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई। अब ताई की तबीयत भी खराब हो रही है, पता नहीं उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। क्या वाकई साहब से मिलने की उनकी ये ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी? डेविड कुछ जवाब दे पाता तभी लैला ने सामने पार्क होती हुई गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या फिर डेविड अंकल शायद ताई की ये ख्वाहिश अब पूरी होने वाली है, क्योंकि वो देखिए सामने पाहुजा साहब की गाड़ी पार्क हो रही है। लैला की आवाज पर डेविड ने मुड़कर उसी डायरेक्शन में देखा, लेकिन लैला की तरह उसके चेहरे पर खुशी नहीं छाई, बल्कि उसने एकदम शॉक्ड होते हुए धीरे से कहा, ये पाहुजा साहब की कार नहीं है लैला बेटा, ये तो सुजॉय सर की कार है। डेविड के कहने पर लैला ने जब गौर किया तो उसे कार के साथ साथ ड्राइविंग सीट पर बैठा सुजॉय भी नजर आ गया। लैला ने घबराहट में अपनी उंगलियों से अपना पूरा चेहरा कुरेदते हुए कहा, हे भगवान, मारे गए अब तो हम लोग। पाहुजा साहब के आने के बजाय सुजॉय को वहां देखकर लैला और डेविड अब क्या करेंगे? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।